Good morning, dear student. I am Rahul sir, math teacher from Sriram Academy High School, Satna. And today's topic trigonometry, class 10, chapter 8. First, हमने exercise 8.1 में क्या find किया था? Right angle triangles की side की value हमने find किया था कि hypotenuse कैसे find करते हैं and base कैसे find करते हैं and perpendicular कैसे find करते हैं. अब हम किसमें find करेंगे trigonometry की यहाँ पे. अब हम किसकी value find करेंगे? Trigonometric ratio of the sum specific angles means अब यहाँ पे angles की value find करेंगे कि sin 0 की value क्या होती है, sin 30 की value, sin 45, sin 60 and sin 90. अब आपके mind में आ रहा होगा कि sir आपने 0, 30, 45, 60 and 90 का बताया है, but आपने sin 1, sin 2, sin 3 इनकी value क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये value मैं बता रहा हूँ 0, 30, 45, 60 एंड 90. ये क्या है आपके लिए 8.2 के लिए क्या जब वेरी यूजफुल है, इसलिए फर्स्ट हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90. देन उसके बाद आपको बताएंगे कि साइन 15, साइन 25 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं. चलिए अब इसको फाइंड करते हैं कि ये वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे. इसके लिए एक रूल फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा और इनकी वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का सीरियल क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेस सेक एंड कॉट. तो फर्स्ट हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन थीटा, साइन एंगल्स यहाँ पे क्या है ए है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे एंगल्स ए. अब यहाँ पे पैटर्न कौन सा रूल करेंगे वो देखिए, रूल फॉलो कौन सा करना है, जीरो वन टू थ्री एंड फोर. मतलब फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जीरो वन टू थ्री फोर ये मैंने राइट किया. मैं सेकेंड स्टेप में क्या राइट करूंगा, ये और जितने नंबर्स हैं इनको मैं फोर से डिवाइड करूंगा, अपॉन फोर डिवाइडेड बाय फोर से डिवाइड करूंगा, ये सेकेंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, जितने भी नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं उनको मैं डिवाइड करता जाऊंगा. जैसे 4 को हम 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 को से डिवाइड करोगे ये आपको डिवाइड नहीं होगा, बट अगर आप डिवाइड करोगे डेसिमल में आएगा, बट हमको ये नंबर्स क्या करना है डेसिमल में नहीं ले जाना है, तो इसको हम सिंप्लेक्स नहीं करेंगे, सेम एज इट इज जैसे है 1/4 आ जाएगा. इसको हम सिंप्लेक्स फॉर्म करेंगे तो क्या जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4 क्या आ गया यहाँ पे 1/2. इसको आप करोगे सिंप्लेक्स फॉर्म तो क्या होगा, सिंप्लेक्स फॉर्म आपका नहीं होगा, कट नहीं होगा, इसलिए सेम 3/4 क्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा. नेक्स्ट अब इसको आप सिंप्लेक्स फॉर्म करोगे क्या है 4 1 4 क्या आ रहा है 1. मतलब फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नंबर्स लिखे 0 1 0 1 2 3 4. सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है, डिवाइड बाय 4, ऑल जितने आपके नंबर्स थे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया. थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, उनका सिंप्लेक्स फॉर्म किया, मतलब अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सिंप्लेक्स फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा. अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ऑल आपके जितने रिमाइंडिंग नंबर से बच रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, रूट स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट. यस, जीरो को क्या होगा स्क्वायर रूट 0, 1 को क्या होगा स्क्वायर रूट 1, 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और आप 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, बट अगर आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल में आएगी. इसलिए हमको क्या करना है, इसका जो नंबर्स के आपके स्क्वायर रूट नहीं निकल रहे हैं, इजली नहीं निकल रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, सेम जो लिखा है वही राइट कर देंगे. मतलब क्या है ये रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2 राइट कर देंगे. सेम ऐसे रूट 3 का फाइंड करोगे तो इसका डेसिमल में आएगा 1.7 कुछ आएगा, बट हमको ये इसका डेसिमल नहीं लाना है, आपको ये ना रूट 3 क्या हो रहा है, रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 3 राइट कर देंगे. 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1. मीन्स हमारी साइन की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, मीन्स साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 10 की वैल्यू क्या होती है 1. अब साइन के बाद हम किसकी फाइंड करेंगे, साइन कॉस,
मतलब ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये साइन की वैल्यू है, इसको हम पैक कर लेते हैं, साइन ये साइन की वैल्यू हो गई। अब हम किसकी फाइंड करेंगे, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। अब हम सेकेंड नंबर फाइंड करते हैं कॉस ए, कॉस ए। अब आप कॉस ए के लिए कैसे फाइंड करोगे, अब सेम तो नहीं है कि जैसे हमने साइन के लिए फाइंड किया है सेम हम कॉस के लिए फाइंड करेंगे, नहीं सेम भी नहीं, वो मैथड यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे साइन का हमने क्या किया, जीरो वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट रूट टू, रूट थ्री अपॉइंट टू एंड वन किया, हम कॉस के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट पे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे वन है तो वन हम कहाँ ले आएंगे, फर्स्ट में, उसके बाद क्या है रूट थ्री अपॉइंट टू, रूट थ्री अपॉइंट टू यहाँ पे राइट कर देंगे, ये कहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, ये नंबर्स कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पे, एंड जीरो कहाँ पे राइट करेंगे, लास्ट में। मतलब ये क्या हो गया, कॉस का निकालने के लिए आपको इजी ट्रिक, मतलब अगर आपसे साइन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो तो कॉस की आप नॉर्मल ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हो कॉस की वैल्यू, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फिर से रिपीट करते हैं, वन वन को आपको क्या करना है, साइन की आपकी जो वैल्यू होगी वन हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे ले जाएंगे, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये वैल्यू सेम आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये वैल्यू कहाँ पे आ गई, ये मतलब ये आपकी वैल्यू चेंज हो गई। जीरो की आपकी किसमें चेंज हो गई, वन में, थर्टी की किसमें चेंज हो गई आपकी, थर्टी की वैल्यू क्या थी, सिक्सटी में, फोर्टी फाइव की फोर्टी फाइव में, एंड सिक्सटी की आपकी वहां पे चेंज हो गई। मतलब ये आपको क्या करना है, वैल्यू आपको ये वैल्यू वहां से ट्रांसफर करना है। अब हम फाइंड करते हैं साइन की, फाइंड कर ली वैल्यू हमने, कॉस की फाइंड कर ली, अब रिमाइनिंग क्या बचा है आपको, टेन साइन कॉस टेन, मीन्स कॉस की वैल्यू ये होगी आपकी, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस ए अब हम फाइंड करते हैं टेन, टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन ए, टेन ए। अब टेन के लिए कैसे फाइंड करने हैं हमको, देखिएगा आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूं, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, मीन्स टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, साइन अपॉन कॉस करोगे, मतलब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, वो टेन की वैल्यू आएगी। जैसे आप देखिएगा साइन के ऊपर क्या लिखा है, जीरो, और इसमें क्या है वन, मीन जीरो अपॉन वन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें सेम ये आप कर सकते हो वन अपॉन टू डिवाइडेड रूट थ्री अपॉन टू, इसमें भी वही सेम पैटर्न करेंगे, साइन टू कॉस में इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो वन अपॉन रूट टू अपॉन क्या आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू, सेम इसमें वही पैटर्न यूज करेंगे रूट थ्री अपॉन टू डिवाइड वन अपॉन टू वन अपॉन वन बाय जीरो, मीन्स टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू से हम क्या कर लेंगे, उसका डिवाइड करके हम टेन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट टेन की वैल्यू नहीं है क्यों, नहीं अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, इससे वन को आप जीरो में डिवाइड करोगे क्या है जीरो, इसको सिंपलेक्स फाइंड कीजिए, टू से टू क्या होगा कैंसिल, तो रिमाइनिंग क्या बचा है आपका यहाँ पे वन बाय रूट थ्री, इससे आपको होगा रूट टू से रूट टू कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको वन, यहाँ पे आप रूट टू से रूट टू डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, सॉरी टू से टू डिवाइड करेंगे तो रिमाइनिंग क्या बचा है रूट थ्री। अब जीरो का वन में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड, मतलब इसका आंसर क्या आएगा इनफाइनिटी आएगा, मतलब ये वैल्यू हमारे इससे डिवाइड नहीं करेंगे, मीन्स ये इनफाइनिटी नॉट डिफाइंड। मतलब टेन की वैल्यू क्या होगी हमारी, टेन ही लगी, टेन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो, ये मैं साइड में राइट कर देता हूँ, वन बाय टू डिवाइडेड रूट थ्री अपॉन टू, टू कैंसिल वन अपॉन रूट थ्री, सेम इसमें भी यही कर देता हूँ मैं, वन बाय रूट टू अपॉन वन बाय रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रूट टू, वन वन से डिवाइड कर देंगे, सेम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन,
इसमें भी सेम वही रूल करता हूँ मैं, साइन को आप कॉस में डिवाइड करोगे, ये वैल्यू को आप इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, टेन की वैल्यू फाइंड होगी। रूट टू टू कैंसिल, रिमाइनिंग क्या बचा है, रूट थ्री। और वर्क जीरो को आप इसमें डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, टेन ए की वैल्यू ये अपनी फाइंड कर ली है। अब रिमाइनिंग क्या बच रहा है आपको, साइन कॉस टेन मैंने फाइंड कर ली। अब रिमाइनिंग क्या बच रहा है, कॉसेस सेट एंड कॉट। यस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा PDPHLP, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, आपने देखा होगा साइन की जो वैल्यू होती है जस्ट वही कॉसेस की उसकी अपोजिट वैल्यू होती है। आपने कॉट की फाइंड किया होगा, कॉट की आप जब फाइंड करते हो तो टेन की वैल्यू क्या होती है, जस्ट उसकी अपोजिट होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, PDPHHB मीन्स साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। तो आप कॉसेस की क्या निकालते हो, एच अपॉन पी निकालते हो, ऐसे कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। तो आप कॉसेस सेट, तो सेट की वैल्यू क्या निकालते हो, एच अपॉन बी राइट करते हो। ऐसे टेन, टेन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी। तो आप कॉट की वैल्यू क्या फाइंड करते हो, बी अपॉन पी फाइंड करते हो। मतलब यहाँ पे नॉर्मल एक रूल फॉलो करेंगे कि साइन की जो वैल्यू होती है जस्ट उसकी अपोजिट वैल्यू किसकी होती है, कॉसेस की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे मैं फाइंड कर देता हूँ कॉसेस की वैल्यू, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, अगर आपसे बन रहे इसलिए तो आप फाइंड कर सकते हो, बट नहीं बन रहा है मैं आपके लिए फाइंड कर देता हूँ। कॉसेस थीटा, कॉसेस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेस ए की हम फाइंड करते हैं, कॉसेस ए मतलब साइन के जस्ट अपोजिट। तो साइन की वैल्यू क्या है बताइए, साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो डिग्री की जीरो। तो आप जीरो का अपोजिट करोगे मीन्स रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, जीरो अपॉन वन, क्या आएगा, सॉरी वन अपॉन जीरो आएगा, वन अपॉन जीरो। मीन्स ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये भी क्या होगी, कॉसेस ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट। ऐसे सेम हम कॉसेस थर्टी की वैल्यू निकालते हैं, साइन थर्टी की वैल्यू, थर्टी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू। अब हम कॉसेस थर्टी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेस। मीन्स अगर साइन थर्टी की वैल्यू, साइन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन टू है तो कॉसेस थर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अपॉन वन, क्या हो जाएगी, टू अपॉन वन। मीन्स टू, वन डिवाइड टू निकालेंगे तो क्या आएगा, टू। सेम ऐसे हम पढ़ते हैं अगर साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेस होता है। मीन्स अगर साइन 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू है तो कॉसेस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू अपॉन वन, रूट टू अपॉन वन मीन्स रूट टू। नेक्स्ट आते हैं 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू। तो कॉसेस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट रूट थ्री। नेक्स्ट साइन 90 की वैल्यू क्या है, वन, तो कॉसेस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन वन मीन्स वन, वन अपॉन वन करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ऐसे आप कॉसेस कॉस का भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये क्या हो गया टेन थीटा, और अपॉन में क्या होता है, ये होता है कॉसेस थीटा, ये होता है आपका सेट थीटा, और ये क्या होता है कॉट थीटा। मीन्स साइन का जब फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है तो कॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, मीन्स उसका जस्ट अपोजिट होता है। सेम ऐसे अगर कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच है तो सेट का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी है। मीन्स इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेस, कॉसेस का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा सेट, एंड सेट का क्या हो जाएगा अपोजिट कॉस। ऐसे सेम टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, एंड कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन। अब मैं आपके लिए फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर आपकी जो रिमाइनिंग बच रहे हैं वो कौन से हैं, सेट ए एंड कॉट ए। ये आप क्या करोगे, ये आपको अपने से फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कॉस की वैल्यू जीरो की वैल्यू वन है तो कॉसेस की क्या हो जाएगी, मीन्स वन का रेसिप्रोकल, वन अपॉन वन मीन्स वन। सेम ऐसे कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू है तो सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अपॉन रूट थ्री। सेम ऐसे फोर्टी फाइव, कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू,
तो sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 अपॉन 1। नेक्स्ट अगर sin cos 60 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2, तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 1। नेक्स्ट अगर cos 90 की वैल्यू क्या है, 0, तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसके जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड होगा ये, तो sec 90 की क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ऐसे आप 10 की वैल्यू क्या कर सकते हो, 10 किसका अपोजिट है, 10 किसका अपोजिट होगा, cot का अपोजिट है। मीन्स अगर जो 10 की वैल्यू होगी उसका cot का अपोजिट आप खोजोगे तो cot की वैल्यू हो जाएगी। सेम अगर आपके पास cot की वैल्यू है, आपको 10 की निकालनी है, तो आप उस वैल्यू को रेसिप्रोकल अपोजिट कर दोगे, सेम आपकी 10 की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। ओके, थैंक यू।